लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर राजनीतिक हिंसा अभी भी जारी है। आए दिन राज्य में कथित तौर पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। 24 परंगना जिले में एक और राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। यह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा है। हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उत्तरी 24 परंगना स्थित पाट पारा में दो समूहों के बीच हुई झड़प के दो दिन बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में निषेधाज्ञा लागू की गई है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इससे पहले कल भाट पारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव पहुंचने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह की मौजूदगी में पुलिस पर पथराव भी हुआ था। राज्य में जारी हिंसा को देखते हुए बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्य का दौरा करेगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल बैरकपुर के भाटपाड़ा में हुई बमबाजी में दो लोगों की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में ये हिंसा हुई थी। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है।